नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन, लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से किया वॉकआउट, दोनों सदनों में बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री ने बजट पर विपक्ष को दिया जवाब, कहा बजट में सभी राज्यों को दिया गया महत्व। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा यूपीए की सरकार के मुकाबले मोदी सरकार में रेलवे में हुआ दोगुना काम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, सेना का एक जवान भी घायल, सेना ने की इलाके की घेराबंदी, ऑपरेशन जारी। फिलहाल नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में फैसला, हरियाणा सरकार ने दी थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज से भारत के दो दिवसीय दौरे पर, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर करेंगे चर्चा। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने अगले दो दिन गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान जताया। और नेपाल में दर्दनाक विमान हादसे में 18 लोगों की मौत, काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फिसलने के बाद क्रैश हुआ विमान, चालक दल समेत 19 यात्री थे सवार। और आइए सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं जो बिहार से आ रही है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक कानून पास हो गया है। परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने के लिए बिहार सरकार ने राज्य में पेपर लीक मामले में कठोर कानून बनाया है। अब पेपर लीक केस में शामिल आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। राज्य में पेपर लीक में किसी की मिलीभगत पाई जाती है तो 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जो बिहार से आ रही है, बिहार में पेपर लीक को लेकर के कानून बनाया गया है, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। बिहार विधानसभा में ये प्रस्ताव पास किया गया है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। एंटी पेपर लीक बिल बिहार विधानसभा में पास हो गया है तो बिहार दोषियों को होगी 3 साल से 10 साल तक की सजा। और इससे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी इस तरह का कानून पारित किया गया है और उसके बाद अब बिहार में भी इस तरह का एक कानून पारित किया गया है। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए ये कानून पारित किया गया है। बिहार से इस वक्त बड़ी खबर है, एंटी पेपर लीक बिल बिहार विधानसभा में पास हो गया है और बिल में काफ़ी कड़े प्रावधान किए गए हैं। दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ कड़े जुर्माने का भी प्रावधान है, 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है इस बिल में। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, बिहार ने एंटी पेपर लीक बिल पास कर दिया है। बिहार विधानसभा से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तो हमारे संवाददाता मधुरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से, उनसे हम बातचीत करेंगे। मधुरेश, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, आज सुबह से ही बिहार विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है वो हंगामे से भरा हुआ रहा और जो कार्रवाई थी सुबह 11 बजे शुरू होने के बाद केवल 23 मिनट में ही उसको स्थगित करना पड़ा। लेकिन सरकार की जो एनडीए सरकार है यहाँ, उसकी पूरी कोशिश थी कि एंटी पेपर लीक बिल जो है उसको हर संभव कोशिश करके आज बिल में बिल को जो सेकंड हाफ है 2 बजे के बाद इस बिल को सदन में रखा गया। लेकिन उस वक्त भी विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया और जबरदस्त हंगामा करते हुए
वॉकआउट कर गई, लेकिन उनके वॉकआउट करने के बाद भी ये इस बिल को सदन में प्रोड्यूस किया गया और ये बिल पास कराया गया। इस बिल में कई प्रावधान हैं, ये सख्त प्रावधान है कि अगर कोई भी पेपर लीक होती है और या उसकी उसकी पुष्टि होती है, उसकी जांच होती है, तो किस तरीके से होगी और क्या सजा हो सकती है, पूरी सख्ती इसमें दिखाई गई है। सबसे पहले तो अगर पेपर लीक की बात अगर सामने आती है तो डीएसपी रैंक के जो अधिकारी होंगे वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। उसके बाद पुष्टि होने पर किसी भी व्यक्ति या संस्थान को 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा 3 साल से लेकर के 10 साल तक के कैद की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जी चंद्रशेखर, बिल्कुल मधुरेश, तो इस वक्त की बड़ी खबर जो बिहार से आ रही है, बिहार में एंटी पेपर लीक बिल पास कर दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से भी एक इस तरह का बिल, इस तरह का एक कानून बनाया गया था और उसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी इस तरह के कानून बने और अब बिहार में भी इस तरह का कानून पास कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश जुड़े हुए हैं बिहार से। मधुरेश, इसको लेकर के हंगामा क्यों हो रहा था विधानसभा में? जो विपक्ष है उस वो जो विधानसभा में हंगामा कर रही थी उसके 2 रीजन थे। एक पहला रीजन था कि पेपर लीक जो बिल है उसको लेकर के विपक्ष के कई सवाल थे, वो उनके जवाब चाह रही थी, और उसके साथ ही विपक्ष रिजर्वेशन को लेकर के हंगामा कर रही थी कि रिजर्वेशन जो है वो 75% बिहार में होना चाहिए था। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इसको लेकर के जो आरक्षण का मामला है उसको 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा की गई है और मामला कोर्ट में है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो लेकिन इसके बाद भी जो विपक्ष है वो मानने को तैयार नहीं थी और लगातार वो हंगामा कर रहे थे। इसके साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के भी वो हंगामा कर रहे थे और यही कारण है कि जब सबसे अहम बिल इस पूरे मानसून सत्र का लाया गया तो उस वक्त विपक्ष का एक भी व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं था, वो वॉकआउट कर चुके थे। छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ इतना बड़ा बिल प्रोड्यूस हो रहा था लेकिन विपक्ष का कोई भी सदस्य वहां नहीं था और वो वॉकआउट कर चुके थे सदन से हंगामा करते हुए। जी मधुरेश, ये काफी ध्यान देने वाली बात है क्योंकि हाल में या पिछले कुछ समय में जब भी जहाँ पर भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं उसमें हमने देखा है कि विपक्ष काफी मुखर रहा है, लेकिन आज जब ये बिल वहां पर पास हो रहा था इस दौरान विपक्ष वहां पर मौजूद नहीं था, इसको लेकर के क्या कुछ सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वहां पर आ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी हमारी बात सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है उनसे भी हो रही थी। उन्होंने ये कहा है कि इतना महत्वपूर्ण दिन था, आप छात्रों के भविष्य की बात करते हैं, देश के भविष्य की बात करते हैं, जो देश का भविष्य है वो छात्र हैं और छात्रों से जुड़ा हुआ इतना महत्वपूर्ण बिल हम लेकर के आ रहे थे मगर पिछले 3 दिन के मॉनसून सत्र में एक भी दिन तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव सदन में नहीं पहुंचे, वो विधानसभा नहीं पहुंचे। तो ये दिखाता है कि कितनी सजग है, कितनी सीरियस है राजद छात्रों के भविष्य को लेकर, बिहार के भविष्य को लेकर। मधुरेश, क्या छात्रों की ओर से, अभिभावकों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, जो लगातार छात्रों और अभिभावकों की तरफ से प्रतिक्रिया मिल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि अब छात्रों को निश्चित रूप से ये यकीन है कि इस तरह के बिल बनने से, इस तरह के कठोर से कठोर कानून बनने से जो पेपर लीक की घटनाएं हैं वो बंद होंगी और उनका उनकी जो मेहनत है उनका समूचा फल उनके उनको मिलेगा। जी मधुरेश, ये जो कानून वहां पर पास किया गया है, इस कानून का अगर हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो वो क्या केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक रहेगा या जो अन्य परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये लागू होगा? फिलहाल जो मेरे पास में जानकारी है वो ये है कि बिहार सरकार के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, वो बिहार टेक्निकल एग्जाम आयोग हो या बीपीएससी हो या फिर अन्य भी जो सिपाही भर्ती परीक्षा वगैरह जो कराई जाती है उन सब पे ये जो विधेयक है, ये जो बिल है, ये कानून बनने के बाद लागू होगा।
हालांकि अभी इस यूनिवर्सिटीज को लेकर के इसमें डिटेल अभी सामने नहीं आया है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं। शुक्रिया शुक्रिया मधुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जब बिहार में ये कानून वहाँ पर रखा गया था विधानसभा में, उस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अनियमितता रोकने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया गया है। पेपर लीक करने पर 10 साल जेल से लेकर 1 करोड़ रुपये जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा में आज पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर विपक्ष के वॉकआउट करने पर कटाक्ष करते हुए कहा, आज विपक्ष सरकार के अच्छे काम पर भी वॉकआउट कर रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू जी जब किंग मेकर थे यूपीए सरकार में, तो कांग्रेस ने नहीं दिया, और उस समय स्पेशल स्टेटस का कानून था, तो लालू जी ने बिहार को धोखा दिया। ये अच्छा हो कि राबड़ी जी लालू जी से पूछे, और ने कांग्रेस दिया जिस समय लालू जी कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे। अब जब ये व्यवस्था ही हट गई विशेष राज के दर्जा का, तो नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ का 2015 में घोषित किया और 2 लाख करोड़ का निवेश हुआ, और अभी दिए हैं नरेंद्र मोदी ही ये पैकेज। बिहार का विकास होगा। राबड़ी जी अगर आपको झुनझुना दिखाई देता है तो लालू जी के सामने जाके बजाइए। और आइए अब आपको लिए चलते हैं संसद की खबरों की ओर। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन आज दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय बजट के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, वहीं विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। दोनों सदनों में बजट पर चर्चा चल रही है। लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20-20 घंटे आवंटित किए गए हैं। कांग्रेस को बजट चर्चा के लिए मिले 4 घंटे मिले हैं। बीजेपी की तरफ से बिप्लव देव ने चर्चा की शुरुआत की। त्रिपुरा से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद बिप्लव देव ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि 2014 में यूपीए सरकार ने भारत को जिस आर्थिक स्थिति में छोड़ा था, उससे लग रहा था कि भारत नीचे के 5 देशों में चला जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था लागू की, जिससे अर्थव्यवस्था अच्छी हुई। उन्होंने कहा कि इस बजट में पिछले साल की तुलना में 18.2% पूंजीगत व्यय ज्यादा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार दोनों बढ़ेगा। निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरीके से इस बजट को प्रस्तुत किया है, मैं इसका सराहना करता हूं और इसके समर्थन में खड़ा हुआ। नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से प्रधानमंत्री के नाते काम शुरू किया, और उस समय जो आर्थिक स्थिति देश का 10 साल की यूपीए गवर्नमेंट ने छोड़ के गया था, तो भारत का जो आर्थिक स्थिति है, जो अनुमान किया जा रहा था तो भारत फ्राजिल 5 देशों में चले जाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था को देश में लागू किया गया। 2023-24 से लगभग 18.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज्यादा है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 का उपयोग करने को लेकर बार बार हो रही मांग पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सदन की निर्धारित कार्यवाही को स्थगित करने की मांग करना बहुत गंभीर मामला है, लेकिन आजकल हर सत्र में इसे उपयोग करने के प्रस्ताव मिलते हैं, जो चिंताजनक है। और आइए आपको सीधे हम भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैज बीन वेलकम्ड बाय वन एंड ऑल। द होल कंट्री लुक्स एट दिस बजट एज अ प्रोग्रेसिव बजट, pro people, pro poor, pro farmer, pro employment budget. It is a budget which has actually laid out a vision for Viksit Bharat. So the whole nation has looked at this budget very positively, and the whole nation joins Honorable Prime Minister
in our effort towards realizing India's developmental goals. देश के सभी वर्गों ने कल के बजट को, माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार के बजट को स्वागत किया है. श्रीमती निर्मला सीतारामन जी के द्वारा प्रस्तुत किया इस बजट को एक गरीब किसान मध्यम वर्ग का समर्थक बजट के रूप में पूरे देश इसको देख रही है. और शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर बहुत स्पेशल ध्यान दिया गया. और एक विकसित भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है उसको साकार करने वाली एक बजट के रूप में पूरे देश इसको देख रही है. और एक संतुलित विकास, एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है. यह मोदी सरकार के, मोदी जी के 2014 के अब तक आप सभी बजट को देखिए, एक संतुलित विकास और पिछड़े राज्यों को विशेष ध्यान देने की बात ये मोदी जी के सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल के एक प्रमुख विजन का एक प्रमुख हिस्सा था. बैलेंस्ड डेवलपमेंट हैज बीन द फोकस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गवर्नेंस ऑल थ्रू द पास्ट 10 इयर्स. इट हैज फाउंड अ मेंशन एज फार एज आई रिकॉल इन एवरी बजट इन द लास्ट 10 इयर्स. स्पेशल फोकस टू बी गिवन टू बैकवर्ड स्टेट्स, particularly to the eastern region, to ensure that we are able to achieve balanced development. And this budget is a continuation of that effort by Honorable Prime Minister Modi ji. And that is the reason why some states have been, while the budget with a more than a 48 lakh crore overall budget expenditure, It gives focus to every section of the society and every state in the country. But some special allocations have been made to some states, keeping in view their developmental needs and their long neglect and how they are not able to catch up with the development in many other parts of the country. So given this background, the Congress and Indie Alliance's opposition to the budget, it actually reveals their political frustration and it shows their negative attitude towards some backward states which need special development, special focus. ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा जो बजट की जो आलोचना और जो बजट का विरोध किया जा रहा है यह उनकी एक बौखलाहट और उनकी निराशा को दर्शाती है, ना कि ये बजट के ऊपर किसी प्रकार की एक कोई विचार विमर्श के रूप में हम नहीं देखते हैं. और ये कांग्रेस पार्टी की एक मैनिफेस्टो का एक पेपर आपको मैं दिखाना चाहता हूं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो. दिस इज अ पेज विच वॉज रिलीज विथ ग्रेट फैनफेयर. आई डोंट नो वेदर दे रीड देयर मैनिफेस्टोस. ये दिस इज अ सेक्शन ऑन फेडरलिज्म, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस. दिस टॉक्स अबाउट कांग्रेस पार्टीज कमिटमेंट टू आंध्र प्रदेश. इट सेज वी विल गिव स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू आंध्र प्रदेश एज प्रॉमिस्ड इन 2014. नो अदर स्टेट फाइंड्स अ मेंशन इन एंटायर कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. Apart from this, there are two UTs which are mentioned, but no other state finds a mention because Andhra Pradesh certainly needs a special assistance because of the ravages of division, bifurcation, and Congress Party's neglect of Andhra Pradesh despite coming to power for 10 years from 2004 to 14 only because of the support from Andhra Pradesh. I think Congress Party betrayed people of Andhra Pradesh. कांग्रेस पार्टी ने आंध्र की जनता के साथ बड़ा धोखा किया था. सरकार में आए आंध्र की केवल ये हमारे सरकार में अभी हमें 240 अपने बलबूते पर है. हम किसी एक राज्य की संख्या पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी निर्भर नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरह आंध्र प्रदेश में समर्थन के कारण दो बार बनी है. आपने क्या किया,
आपने आंध्र प्रदेश की जनता के साथ बड़ा धोखा किया है, और अब उससे बचने के लिए आप इस प्रकार के खोखले प्रॉमिसेस करते रहते हैं अपने मैनिफेस्टोस। द रीजन व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस इज नॉट बिकॉज कांग्रेस पार्टी हैज एनी ग्रेट लव और एनी लव टुवर्ड्स पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। दे डू रियलाइज दैट दे बिट्रेड पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड दैट बिट्रेयल दे कैनॉट गेट आउट ऑफ इट एंड दे हैव स्टिल बीन रिड्यूस्ड टू 1% पार्टी इन आंध्र प्रदेश। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस राज्य के मदद से दो बार केंद्र में सरकार बनाई 2004-09 में, आज आंध्र प्रदेश में उनकी हालत 1% से कम है। और मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी आप सीखना नहीं चाहते हैं तो आंध्र की जनता आपको कभी भी भविष्य में भी माफ नहीं करेगी। So this is again a local manifesto released by the Congress party, which again talks about this. So you have yourself mentioned Andhra Pradesh because you realize Andhra Pradesh needs special assistance. So we have given in this budget, Honorable Prime Minister and FM, Honorable FM, have provided some financial assistance through multilateral agencies to Andhra Pradesh, only to help a state which has been left without a capital because of the Congress party's hurried actions in 2014, only to get a political benefit out of state bifurcation. Wo benefit to mila nahi, that benefit they never got and they will never get because it was a purely a political game that they employed. Andhra Pradesh And अब देखिए, केवल आंध्र प्रदेश और बिहार की बात नहीं है। इन दिस बजट देर इज अ मेंशन ऑफ हाउ स्टेट्स आर गोइंग टू बेनिफिट, हाउ पूर्वोदया प्लान। अ पूर्वोदया प्लान इंक्लूड्स ऑल द स्टेट्स इन द ईस्टर्न कॉरिडोर, इट इंक्लूड्स वेस्ट बंगाल, इट इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिकॉज दैट्स द वेस्टर्न बेल्ट। A Purvodaya plan which will help us to make investments, which will allow government to make investments in infrastructure, in HRD, in education, so on and so forth, and creating better employment opportunities. As I mentioned earlier, this has been a part of the continued policy of the government of India under leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. So, Andhra Pradesh and Bihar ko thodi si madad इस बजट के द्वारा दिया गया, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन को क्यों इससे दर्द है, क्यों आप सह नहीं पा रहे हैं, क्यों कांग्रेस बिहार विरोधी, आंध्र विरोधी और विकास विरोधी साबित होना चाहती है? क्या इंडी गठबंधन देश के किसी हिस्से को विकसित होते हुए क्या पचा नहीं सकती है? इज द कांग्रेस पार्टी अनएबल टू accept the fact that parts of the country which have not got development, they need some assistance, and if they are able to come up through this assistance, why does it pain the Congress party and Indy alliance? Is it because you are anti-development? Your entire politics depends only on hardcore politics and not based on any vision for development? Rahul Gandhi and Congress party must apologize. It's my demand. They must apologize to the people of Andhra Pradesh, to the people of Bihar, for making mockery of the budget, special budget announcements for these states. Andhra Pradesh aur Bihar ke janta ka mazak karne ke liye, unke khilaf aap awaaz uthane ke liye, ये मेरी मांग है कांग्रेस और गठबंधन, इंडी गठबंधन, इन राज्यों की जनता से माफी मांगे, क्योंकि नहीं तो हमें लगेगा कि आपको केवल राजनीति में रुचि है लेकिन देश के विकास आपका लक्ष्य नहीं है। बट द रियल प्रॉब्लम आई मेंशन, द रियल प्रॉब्लम फॉर द इंडी अलायंस एंड द कांग्रेस पार्टी इज दे वर होपिंग दैट दिस गवर्नमेंट वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शंस they made particular efforts to try and break the NDA coalition. Today they failed on day one.
They failed subsequently in different opportunities in parliament, and today they feel their hope of dividing NDA is not going to happen, is not going to come true. NDA ke majbooti ko dekhkar कांग्रेस और इंडी गठबंधन में एक बौखलाहट है. यही बौखलाहट उनके बयानों के रूप में हम देख रहे हैं. तो हमसे हमारा आग्रह है, आंध्र प्रदेश जिस राज्य से मैं बिलोंग करता हूं, आंध्र प्रदेश के साथ विभाजन के समय जो ध्यान रखना चाहिए था वो नहीं रखा गया. ये कांग्रेस सरकार की, तब की कांग्रेस की सरकार की बड़ी भूल थी और उस प्रदेश की जनता को आंध्र प्रदेश की जनता को न्याय देने का काम मोदी जी के सरकार ने पिछले 10 साल किया है. और अभी मदद के रूप में आंध्र को अपनी हक देने की जो काम कर रहे हैं मोदी जी, इससे कांग्रेस पार्टी जो गुनहगार है आंध्र प्रदेश की दुर्गति के लिए, प्रमुख गुनहगार जो कांग्रेस पार्टी है, वह आज इस प्रकार का बयान दे करके अपनी नकारात्मकता को फिर एक बार और इस जख्म पर नमक छिड़कने का काम न करें. यही मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं. द कांग्रेस पार्टी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट प्लाइट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, द कांग्रेस पार्टी विच रश्ड इनटू बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश ओनली टू गेट अ पॉलिटिकल डिविडेंड, and Congress party which has caused immense harm to Andhra Pradesh by not giving it enough time or enough resources, has no locus standi and has no position today to really further harm Andhra Pradesh. I think I want to tell Congress party to stay away from further hurting Andhra Pradesh. We cannot take any of your inflicted damages further. People will not tolerate. Congress and Rahul Gandhi must understand this. Thank you. तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बजट को लेकर के विपक्ष की ओर से, खासकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो एनडीए गठबंधन की एकता को देखकर बौखला गया है. और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आंध्र प्रदेश को लेकर के कांग्रेस ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की दुर्गति कर दी. और जब अब एनडीए सरकार की ओर से जो बजट लाया गया है उसमें आंध्र प्रदेश का ध्यान रखा गया है, तो उसको लेकर के गलत बयानबाजी की जा रही है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया, नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है. गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी. अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद. और हम बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले कि संसद में क्या कुछ चल रहा है. तो संसद में विपक्ष के भेदभावपूर्ण बजट के आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि बजट में हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता. इसका आशय ये नहीं है कि किसी राज्य को कम महत्व दिया गया है. उन्होंने कहा कैबिनेट ने महाराष्ट्र के बडवन में एक बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया. Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadhavan in Maharashtra.
Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे पर कहा कि सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति के बाद भी विपक्ष का ऐसा रवैया निंदनीय है। क्वेश्चन आवर में जो हमारा ओपोजिशन एमपी ने जो किया है वो निंदनीय है। ऑल पार्टी मीटिंग में सर, ऑल पार्टी मीटिंग में सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर ने कहा हाउस अच्छा से चलना चाहिए, नियम से चलना चाहिए, सबने कहा। फिर सदन में आकर के इस तरह कैसे डिस्टर्ब करना, क्वेश्चन आवर का डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है सर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट में आंध्र प्रदेश के रेलवे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक आवंटन का जिक्र करते हुए कहा कि यूपीए की सरकार के मुकाबले मोदी सरकार में रेलवे में दोगुना काम हुआ है। द बजट एलोकेशन फॉर आंध्रा अलोन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर वॉज 8,406 करोड़। This was a historical budget allocation, and after today's detailed demand of grants, the budget allocation for this year will get revealed, sir. The project execution within Andhra Pradesh has also significantly increased. The average during the UPA period was just about 72 kilometers a year. During the first two terms of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the average construction of railway lines in Andhra Pradesh increased almost more than doubled to 151 kilometers per year. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जम्मू कश्मीर को लेकर उठे सवाल का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जम्मू कश्मीर जाने से लोग कतराते थे, जबकि बीते 10 वर्षों में बड़ी संख्या में लोग जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर बदलाव के बड़े दौर से गुजर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर प्रतिबद्ध है। 2014 से लेकर 2023 और 24 तक लगातार 2 वर्षों में एक रिकॉर्ड बना है, 10 वर्षों में रिकॉर्ड बना है, और 2004 से 14 तक का जो इनका कालखंड था उनको भी याद करें, पर्यटक जाने से कतराते थे। जहां तक महोदय सुरक्षा का सवाल है और यह जानना चाहते हैं महोदय, तो यहां इधर विगत कुछ दिनों में वहां आतंकवादी 28 मारे गए हैं। इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है जो दुखद है, और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं संसद भवन से, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी क्या कुछ चल रहा है संसद में? देखिए, अभी संसद के दोनों सदनों में, अगर लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा जो है वो चल रही है, और तमाम सत्ता और विपक्ष दोनों जो धड़े हैं उनकी ओर से अपने अपने जो उनके सांसद हैं वो अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद बिप्लव देब ने जो है वो अपनी बात रखी। उसके बाद हमने देखा कि विपक्ष की तरफ से, टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उन्होंने अपनी बात रखी। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी जो पूर्व वित्त मंत्री हैं यूपीए 1 और 2 में जो बीजेपी के कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने जो है अपनी तरफ से बात रखी और सरकार को घेरने की कोशिश की। और निश्चित तौर पर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ये बजट के जो तमाम प्रावधान हैं उन प्रावधानों को देश की जनता के सामने लाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं विपक्ष जो है बजट पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है और कई तरह की जो आशंकाएं हैं उन आशंकाओं को रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर जब इस चर्चा पूरी होगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका रिप्लाई करेंगी, तो उन तमाम आशंकाओं को का वो सिलसिलेवार तरीके से जवाब भी देंगे। और आज भी जैसा कि राज्यसभा में उन्होंने कहा कि तमाम राज्यों का नाम लेना जो है वो संभव नहीं है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और बिहार को ही सिर्फ जो है
वो गिफ्ट देने की कोशिश की गई है, उसी का प्रतिवाद जो है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने किया और कहा कि सभी राज्यों का नाम जो है वो नहीं लिया जा सकता है। और वाकई पूरे बजट के दौरान तमाम जो देश के राज्य हैं उसका जिक्र कैसे किया जा सकता है, लेकिन बजट का जो एलोकेशन है वो तो तमाम राज्यों को होता है, भले ही उसकी राशि थोड़ी कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन बजट कहीं ना कहीं तमाम राज्यों को दिए जाते हैं जिससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था संचालित होती है। और सत्ता और विपक्ष की तरफ से लगातार बजट पर जो है वो चर्चा चल रही है। दीपक प्रकाश जो बीजेपी के झारखंड से एमपी हैं वो अभी राज्यसभा में बोल रहे हैं, जबकि अगर लोकसभा की बात करें तो डीएमके के जो सांसद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन वो लंबे समय से लोकसभा के भीतर बोल रहे हैं और वो सरकार की जो खामियां हैं उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तब देखना होगा कि जो 20-20 घंटे की मियाद जो तय की गई है उसके पूरे होने के बाद वित्त मंत्री जब अपना रिप्लाई करने के लिए आएंगी तो वो फिर क्या कुछ अपना जवाब देती हैं। राजेश, हालांकि वित्त मंत्री ने ये साफ कर दिया है वहाँ पर कि सभी राज्यों का नाम लेना और सभी राज्यों को क्या आवंटन किया गया है वो अलग अलग चीज़ है। राजेश, ये जानना चाहेंगे कि जो संसदीय कार्य मंत्री भी बोल रहे थे कि पहले ये तय हुआ था कि संसद में चर्चा आराम से चलेगी, किसी तरह की कोई विघ्न बाधा नहीं होगा, लेकिन आज देखा गया कि उसके बावजूद भी विपक्ष की ओर से काफ़ी हंगामा किया गया। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, चंद्रशेखर, जब आपसे इसके पहले भी बात हुई थी, सर्वदलीय बैठक के दिन लगभग विपक्ष के जो तमाम दल थे वो जब पार्लियामेंट एनेक्सी में ये बैठक हो रही थी कमेटी रूम में, तो उस बैठक के दौरान तमाम लोगों ने ये रजामंदी की मुहर लगाई थी कि सदन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चलेगा और शांतिपूर्ण तरीके से हम बहस में हिस्सा लेंगे, बहस करेंगे, विमर्श करेंगे। लेकिन अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब भी BSE की बैठक होती है या फिर सर्वदलीय बैठक का आयोजन होता है उस बैठक में विपक्ष अपनी रजामंदी की मुहर तो लगाता है लेकिन सदन के भीतर जाने के बाद उनका जो स्टैंड है वो बदल जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सदन में शोर शराबा हंगामा जो है वो देखने को मिलता है। और शायद यही वजह है कि जो आश्वासन विपक्ष की तरफ से मिलता है रचनात्मक सहयोग का वो मिलता नहीं और सदन में डिसरप्शन का माहौल देखने को मिलता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि पहले दिन से लेकर अब तक आज तीसरे दिन में अगर हम देखें तो भले ही विपक्ष ने हंगामा काटने की कोशिश की है, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन सदन की कार्रवाई जो है छिटपुट मौकों को अगर छोड़ दें तो लगभग सदन की कार्रवाई जो है वो ठीक ठाक तरीके से चल रही है और विपक्ष जो है वो सरकार को लगातार घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है। और आपने देखा कि राज्यसभा में जिस तरीके से आज प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री जो नित्यानंद राय हैं उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से जो सवाल किए गए उसका उन्होंने करारा जवाब देते हुए जो बताया कि कश्मीर में किस तरीके से पहले लोग जो हैं वो पहुंच नहीं पाते थे या टूरिस्ट जो हैं उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती थी और कई तरह की घटनाएं घटती थी, अब वहाँ पर जो है अमन चैन का माहौल है और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार का दृष्टिकोण जो है वो साफ करने की कोशिश भी की। शुक्रिया, शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब हम अगली खबर की ओर चलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में रेल व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए आरंभ की गई योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार 4 महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रही है जिसकी DPR बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसके साथ ही रेल मंत्री ने रेलवे टनल को भी अत्याधुनिक बनाने की बात कही। ये चारों के चारों बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और आपने देखा होगा कुछ वर्षों से DPR बनाने का काम एक नए तरीके से हो रहा है। इसमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कंप्लीट 100% LiDAR सर्वे करके प्रॉपर उसका डिज़ाइन का एक प्रोसेस बना है, उस प्रोसेस से इसके DPR बन रहे हैं। रेलवे की जो टनल की टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। हिमालयन टनलिंग मेथड जो कि रेलवे ने नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों में काम करते करते नए तरीके से सीखा है, ये मेथड बहुत ही एक स्टेबल टनल डिज़ाइन है। और आइए अब आपको कुछ खबरें दिखाते हैं कल पेश हुए आम बजट से जुड़ी हुई।
बजट 2024 में कृषि क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया गया है। बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष फोकस है। साथ ही सरकार कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा भी करेगी। किसानों के लिए 32 कृषि एवं बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली जलवायु प्रतिरोधी किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती सिखाई जाएगी। साथ ही 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी। साथ ही सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए भी आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार राज्यों के साथ साझेदारी करके 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि DPI के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी। DPI के माध्यम से खरीफ फसल के लिए 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। वहीं 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ब्रूड स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आम बजट को देश के हित वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ध्यान रखा गया है, साथ ही इस बजट में महिलाओं और किसानों के हित में कई योजनाओं की घोषणा की गई है। यह बजट देश की जनता के बहुत ही हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है, विशेष तौर पर महिलाओं के और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं जो बताई गई हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है बड़ी संख्या में, क्योंकि कृषि प्रदेश और कृषि देश होने के नाते से हर कृषि प्रदेश को इसका लाभ होने वाला है। और क्योंकि हर एक विभाग के हिसाब से मंत्रियों के पास विभाग रहते, तो मेरे पास 2 विभाग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ महुआ यानी आवास और शहरी मामले इतने हैं, वो सारे हमारे विभाग के पास है। दोनों विभागों में पर्याप्त एक प्रकार की घोषणाएं की गई हैं और नए आयाम खड़े किए गए हैं। केंद्रीय बजट पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री ने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। ये बहुत प्रगतिशील बजट है, इसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो देश के हित में हैं। मैं जो है जरूर इस बजट का मैं स्वागत करता हूँ, विदेश मंत्री होने के नाते भी स्वागत करता हूँ, पर जब अगर मैं पूरे एक किस्म से नेशनल परस्पेक्टिव से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत माने प्रोग्रेसिव बजट है। इसमें बहुत सोच समझ के साथ जो निर्णय जो लिए गए हैं और इनका जरूर देश के हित में है, और मुझे लगता है कि देश की प्रगति के लिए ये तीसरे टर्म NDA के तीसरे टर्म में बहुत अच्छा शुरुआत है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट की नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी ने सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बजट से भविष्य में सकारात्मक बदलाव आएगा, साथ ही ये बजट विकसित भारत की ओर अग्रसर है। इट्स यूजफुल टू थिंक ऑफ द बजट इन 3 time horizons, द नाउ एंड द नेक्स्ट 6 months, बिकॉज द नेक्स्ट यूनियन बजट इज ओनली 6 months अवे एंड देयर आर मेनी एज इट वर रिव्यूज एंड स्टडीज दैट हैव बीन प्रॉमिस्ड इन 6 months। दे गिव एन इंडिकेशन of the areas where future reforms will take place. Then there is the life of this parliament, 5 years. And all of this is moving towards Viksit Bharat. नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी ने बजट 2024-25 को बेरोजगारी की समस्या दूर करने वाला बजट बताया। इससे स्थापित कंपनियों के अलावा स्टार्टअप में भी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वी हैव एज इट वर द रॉ मटेरियल एंड वी हैव द नीड, बट ब्रिंगिंग द टू टुगेदर इज व्हाट दिस बजट इज ट्राइंग टू डू, किक स्टार्टिंग दैट प्रोसेस
so that people are equipped to do better jobs and get better livelihoods, and not just in corporate employment, startups also, on the farm as well. All of this is a new approach to thinking about India's employment possibilities. दिल्ली के व्यापारी वर्ग ने पेश किए गए वर्ष 2024-25 के बजट का स्वागत किया है. उन्होंने इसे सभी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा बजट बताया. सब वर्गों का ख्याल किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल मध्यम वर्ग का ख्याल किया गया है, न्यू जॉब्स के लिए ख्याल किया गया है, स्टूडेंट्स के लिए ख्याल किया गया है, किसानों के लिए ख्याल किया गया है और एक आम व्यक्ति के लिए ख्याल किया गया है. व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेशन स्लैब कम किया है, इंपोर्ट ड्यूटी कई आइटम पर कम किया है, जस्ट लाइक मोबाइल्स फ़ोन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हो गई, ज्वेलरी आइटम्स हो गए. जब इनके ये चीज़ें इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी तो मार्केट में इसकी कंजम्पशन बढ़ेगी, आम व्यक्ति के लिए परचेज करना ईजी होगा, उनकी रीच में होगा. और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, फर्स्ट टाइम हुआ है कि 1 लाख बच्चों को 10 लाख रुपये का लोन मिलेगा लोकल एजुकेशन करने के लिए. साथ साथ प्रधानमंत्री योजना के अंदर इन्होंने 1 करोड़ बच्चों को, 20 लाख बच्चों को हर साल जो 500 टॉप कंपनीज हैं उनके यहाँ बच्चे इंटर्नशिप लेंगे और उनको 5000 रुपये पर मंथ भी मिलेंगे 1 साल तक. यानी जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ के आएंगे उनको जब बड़ी टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, उससे वो स्किल्ड होकर निकलेंगे. और जब हर साल 20 लाख बच्चा इन टॉप कंपनी में निकलेगा तो स्किल्ड होकर निकलेगा, तो उसके पास रोजगार के लिए, उसे कंपटीशन के लिए उसके पास बहुत अच्छे अवसर होंगे अपने आप को आगे बढ़ाने का. और जहाँ तक ऑर्गेनिक उसके ऊपर फार्मर्स के लिए हैं, छोटे छोटे फार्मर्स के लिए उन्होंने ख्याल किया है कि उनको अच्छे ऑर्गेनिक करने का मौका मिले जिससे उनके फार्मर्स को अच्छा पैसा मिले. और आप देखिए इवन इंटर्नशिप करने के लिए या न्यू जॉब्स क्रिएट करने के लिए आम व्यापारी के टैक्सेशन पहली बार कई साल के बाद टैक्स में रिलीफ मिली है. और मैं समझता हूँ ये बजट जो 24-25 का बजट है हर वर्ग को ध्यान रखा गया है. हर बार की तरह इस बार भी बड़ा सटल बजट था और हर वर्ग का ध्यान रख के और मोदी जी के नेतृत्व में हर चीज़ को बड़ा सटल तरीके से बताया गया है. किसानों के लिए MSP को भी बढ़ावा मिलेगा, युवाओं के लिए भी, हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा, मध्यवर्गीय वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है और बहुत बढ़िया बजट दिया है जी. जैसे हमेशा आता रहा है वैसे ही बजट है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर. अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद. जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें. MDH का चंकी चाट मसाला. MDH. ए संभाल कर हां, आई मारो पापा फॉरेन थी लाई आवियो. हां ए ए ए आय 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 ए सत्यानाश. भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो. ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझकर करें. अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर. रिस्क समझ कर लेने का. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. बजट में प्रस्तावित नई टैक्स रिजीम में टैक्स अदा करने वालों के लिए बड़ी राहत. अगर कमाते हैं 7.5 लाख रुपए सालाना तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. प्रॉपर्टी पर भी बदले कैपिटल गेन टैक्स का भी आपको मिलेगा फायदा. पूरी कहानी समझने के लिए देखिए बजट 2024 टैक्स स्पेशल आज शाम 7:30 बजे सिर्फ DD News पर. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात. पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर BJP विधायकों का प्रदर्शन हुआ.
राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नारी सुरक्षा की स्थिति को लेकर भाजपा लगातार बंगाल सरकार पर हमलावर है। इस सबके बीच पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने राज्य में अराजकता फैला रखी है और यहां लोकतंत्र का खात्मा हो चुका है। ये दूसरा प्रदेश बना दिया, ममता ने पश्चिम बंगाल को भारत से निकाल दिया है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, यहाँ स्टेट पुलिस में इजाजत है, सेंट्रल फोर्स का इजाजत नहीं है। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रसन्नजीत, हम लगातार देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है उसको लेकर के वहाँ पर बीजेपी हमलावर है और पिछले काफ़ी दिनों से बीजेपी के नेता लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने आई है जिससे ये कहा जा सके कि सरकार संवेदनशील है महिलाओं पर अत्याचार को लेकर के? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी अगर सवाल के जवाब इस तरह से हम शुरू करें चंद्रशेखर की, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग पूरे देश में ये देखा कि कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें किस तरह से बंगाल की महिलाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है इसके बारे में, और जो लोग हैं वो सारे तृणमूल से जुड़े हुए हैं। और इस सिलसिला फरवरी मार्च जब शेख शाहजहां की जो कहानी हमारे सामने उजागर होके आया था उससे वो सिलसिला जारी है। और इसका मतलब यह है कि जो वीडियो सामने आ रहा है वो पता चल रहा है, जो वीडियो सामने नहीं आ रहा है उसका पता नहीं चल रहा है। तो अब ये समझना चाहिए कि सरकार की तरफ से ना इसके बारे में कोई कदम उठाया गया, सरकार की तरफ से ना इसके बारे में कोई बयान दिया गया, ना सरकार के बारे में इसके बारे में कोई दुख प्रकट किया गया, कुछ नहीं किया गया है। तो ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और अभी विधानसभा जारी है तो विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाना जरूरी था। लेकिन सरकार की तरफ से ये सोचा गया था कि किसी ना किसी तरह से नीट यूजी के मामले पर बीजेपी को घेर कर अपना ये जो सब गलतियां है इस गलतियां को किसी तरह से लोगों की ऊपर से नजर से हटा देंगे, लेकिन वो भी कल सुप्रीम कोर्ट के कारण हो नहीं पाया। तो इसीलिए यहाँ की ममता बनर्जी सरकार और उनकी जो बाकी विधानसभा की टीम है इनको समझ में नहीं आया कि आज जो नीट यूजी का रिजोल्यूशन लेके विधानसभा के अंदर चर्चा होने का था उसका क्या मतलब है। तो जबरदस्ती वो लोग चर्चा जारी रखे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल की जो अहम मुद्दा है, जो जरूरी मुद्दा है, जिसके बारे में पूरे प्रदेश चिंतित है, पूरे देश चिंतित है, उसको सामने रखने के लिए एक एडजर्नमेंट मोशन लाया गया था, लेकिन जाहिर सा है कि इस मोशन को खारिज कर दिया गया। इसीलिए पूरे बीजेपी की जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसको बाहर आके इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ा। चंद्रशेखर, शुक्रिया, शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के बीकानेर हाउस में ईश आलेख्य नाम की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। डॉक्टर शालिनी यादव द्वारा तैयार चित्रों की इस प्रदर्शनी में पौराणिक और धार्मिक कथाओं की सुंदर यात्रा है। इस आलेख्य विभिन्न रंगों से तैयार चित्रों का वो सुंदर संग्रह जो अपने में समेटे है भारतीय संस्कृति और इतिहास को, जो जोड़ती है कला के माध्यम से अध्यात्म को। कलाकार डॉक्टर शालिनी यादव द्वारा तैयार चित्रों की इस प्रदर्शनी में पारंपरिक भारतीय चित्रकला की शाश्वत कला का समागम है, जो सौंदर्य शास्त्र के साथ आध्यात्मिक कहानियों की खूबसूरती से बुना हुआ है। कलाकार की इन कृतियों में पिछवाई, फड़ और पटचित्र शामिल है। डॉक्टर शालिनी यादव बताती हैं कि बचपन में जो धार्मिक व पौराणिक कथाओं का वर्णन दादी नानी से सुनते थे उसे अपनी कला के माध्यम से प्रदर्शनी में दिखाया गया है। रामायण की कहानियाँ, हनुमान जी की कहानियाँ, लड्डू गोपाल के नटखट बचपन की कहानियाँ, ये सब बहुत सुनाया जाता था। तो पेंटिंग एग्जीबिशन में देखेंगे कि एक कहानी चल रही है, हर कैनवस में एक कहानी है।
वो कहानी मैं कोई माइथोलॉजिकल चैलेंज या कुछ नहीं कर रही हूँ, पर वो मेरा इंटरप्रिटेशन है उन कहानियों का और एक मदर को एक ओड है। पेंटिंग प्रदर्शनी देखने आए कला प्रेमियों ने बताया कि यह प्रदर्शनी पौराणिक मान्यताओं से बड़े ही सहज भाव से जोड़ रही है, साथ ही धार्मिक कहानियों को बयां कर रही है। सबसे अच्छी बात इस एग्जीबिशन की है कि ये कितनी इंट्रिकेट पेंटिंग्स हैं और इतनी खूबसूरती से इन्होंने किया हुआ है, और छोटे छोटे मिनिएचर जिसको बोलते हैं उसने पिछवाई पेंटिंग में करके इतने सुंदर से इन्होंने डिपिक्ट किया है। एज अ यंगस्टर आई फेल्ट लाइक मेरे को अपने कल्चर को देखने का बहुत ही अच्छा मौका मिला है। यहाँ पे जो मम्मा छोटे में स्टोरीज सुनाती थी वो सारी यहाँ पे बहुत ही ब्यूटिफुली विजुअली पिक्टोरली डिपिक्ट हुई हैं, जो आई डोंट थिंक मैंने कभी और देखा है। तो जब मैं जैसे गणेश अष्टकम देख रही थी तो उसमें जितनी भी गणेश जी की स्टोरीज पहले आती थी जब मैं कार्टून्स में देखती थी वो सारी वहाँ पे है, तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ उनको। डॉक्टर शालिनी ने इस प्रदर्शनी को अपनी माँ की याद में लगाने की बात कही और उन्हें रंग रूप की बारीकियाँ सिखाने वाली पहली प्रभावशाली शिक्षिका बताया। डीडी न्यूज़ के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।